काले बादल को लाना ही पड़ेगा बाऊ। कित खान के पास बख्तर है और मेरे पास दूर के दांत है। हे बाऊ, हमें उनसे लड़ना ही पड़ेगा। ये पागल हो गई है, उसके पास सैनिक है। बाजी, ये आप तोड़ने जैसा काम नहीं है। एक घोड़े के लिए तो अपनी जान दांव पर लगा देगा क्या? एक घोड़े के लिए नहीं, दोस्ती के लिए। वो घोड़ा मेरा दोस्त है। काईपन, वो घोड़ा एक पल में तेरा दोस्त बन गया। एक पल में दोस्ती थोड़ी होती है। होती है, जब बाजी ने मुझे बालू से पिटने से बचाया था ना, उसी पल मेरा दोस्त बन गया था। और याद है तुझे, जब मैंने तुझे तिल के लड्डू खिलाए थे ना, उसी पल तो मेरा दोस्त बन गया था गोटिया। और ऐसे ही वो घोड़ा भाव का दोस्त बन गया। इसीलिए दोस्त को पीछे नहीं छोड़ा जाता। इस घोड़े को बचाना कठिन है, पर सबको जानते हुए भी उसे बचाने की कोशिश ना करना और भी कठिन। सांगा, कौन कौन मेरे साथ है? मैं, मेरा दूध का दांत और मेरा लाल मिर्च भी आपके साथ है। हम भी। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। बाजी, ये ले तेरी पावली और ले आना घोड़ा इस पावली से, मैं नहीं आ रहा। मिट्टी को माँ मानते हैं, इस माँ का सम्मान करते हुए आप अपने जूते उतार दीजिए। आप हम पर तरस खस रहे हैं बालाजी। आपके कहने का मतलब हम नहीं समझे, पर आपको देख के लगता है कि आपको लग रहा है कि हम आपकी निंदा कर रहे हैं। बात को घुमाइए मत बालाजी, साफ साफ कहिए आप हम पर तरस खस रहे हैं। हम छोटे से कर्मचारी हैं हुजूर, मीर कमरुद्दीन खान साहब की बात कैसे टाल सकते हैं? अगर आपको लगता है कि कस रहे हैं तो हाँ, हम तंस कस रहे हैं। खास, मुगल हमारे मेहमान हैं, इनकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। देखिएगा, इन्हें कोई हानि ना पहुंचे। हो। इन सबको यहीं रहने दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। हुजूर, चलिए। हुजूर, हुजूर, बसा बसा बसा। हुजूर, हमारी बात सुनिए, नाराज मत होइए। हमने आप पर तंज कसा क्योंकि हम आपकी सुरक्षा चाहते हैं। आपकी जिद के कारण ना चाहते हुए भी हम आपको यहाँ ले आए। अब देखिए, काले बादल घिर गए। हमें भय है कि घाटों की होने वाली इस वर्षा में अब बह न जाए। मौसम की जिद किसी की भी जिद से पक्की होती है खान साहब। शीघ्र ही कुछ करना होगा अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि आप, हम और आपकी ये जिद तीनों वर्षा में बह जाए। जाओ, उन्हें ढूंढ के ला।
जा लवकर। पाँव में चोट लगने की वजह से ये घोड़ा पागल हो गया है, इसे अभी मार देंगे। लगता है बरसात आने वाली है। बरसात नहीं, बाजी आने वाला है। बाजी अपने साथ बरसात लेकर आया है और बादल लेकर जाएगा। चावली लेकर तुम लोग यहाँ तक आ गए, लेकिन अब कुछ फायदा नहीं, अब तो ये मरेगा ही मरेगा। गिद्ध खान। गिद्ध? हाँ, क्योंकि किसी के मरने की इतनी प्रतीक्षा तो सिर्फ गिद्ध ही करते हैं। गिद्ध खान नाम पसंद आया मुझे। जब हम अपना घोड़ा लेकर यहाँ से जाएंगे तो हमारा काम भी पसंद आएगा। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? और जब इसका दिमाग खराब होता है ये कुछ करता नहीं, कर जाता है। लगता है तुम लोग यहाँ पिटने के लिए आए हो। पिटने नहीं, सौदा करने। क्योंकि तुमने ही तो कहा था ना कि एक बार सौदा करने के बाद तुम उससे मुकरते नहीं। गिद्ध छछुंदरों से सौदा नहीं करता। हाँ, और अगर छछुंदर चुनौती दे तो? चुनौती? तुम मुझे चुनौती देगा? यही तो सौदा है, और मैं ये सिद्ध करके रहूंगा कि वो घोड़ा पागल नहीं है। और तू ये करेगा कैसे? मैं अंदर जाऊंगा और बाहर उस घोड़े के साथ आऊंगा। इस घोड़े के पाँव में जख्म है जो अब नासूर बन चुका है, और जिस जानवर का जख्म नासूर बन जाता है वो पागल हो जाता है।
क्यों अपनी जान का दुश्मन बना है? लौट जा, भूल जा इस घोड़े को। अब चाहे जो हो जाए, हम उसे नहीं भूल सकते। बस इतना ही समझ लो। बोलो गीत खान, शर्त मंजूर है या नहीं? अगर घोड़ा भाव के साथ बाहर आया तो घोड़ा हमारा और बावली तुम्हारी। मुझे मंजूर है। ये लो पावली, अभी से इसे रख लो, क्योंकि काला बादल आज मेरे साथ जाने वाला है। जिंदा। बच्ची, तेरा भाव तो गया, अब मैं गिद्ध इसे खा जाऊंगा। काला बादल, मैं तुझे चोट पहुंचाने नहीं, तुझे घर ले जाने आया हूँ काला बादल। पता नहीं कौन ज्यादा पागल है, ये घोड़ा या फिर ये बच्चा घोड़े से बातें कर रहा है। अभी उसे बताती हूँ, उसके आँख में मिर्ची डाल दूंगी। नहीं भी हूँ, नहीं भी हूँ, अभी नहीं भी हूँ, अभी नहीं भी हूँ, बाजी को देख, बाजी को देख, बाजी को देख, मुझे याद कर, मेरी आँखों में देख। देखते हैं मराठे ने अब तक उड़ना सीखा है कि नहीं। देखते हैं मुगलों को उड़ना आता है कि नहीं। Thank you.
इस घोड़े के पांव में जख्म है जो अब नासूर बन चुका है, और जिस जानवर का जख्म नासूर बन जाता है वो पागल हो जाता है। इसने खाना पीना सब छोड़ दिया। क्या हुआ बच्चे, उठो, अंदर मत जा। अब तो ये घोड़ा इसे कुचल कर ही रहेगा। ए छछुंदरी, तेरा भाव तो गया। गिद्ध काका, तुम जाओगे, मेरा भाव नहीं। छछुंदर गिद्ध से शर्त नहीं लगाते। देख क्या रहा है? गोटिया, तू लौट आया? हाँ, मेरी आई कहती है मोटा सिक्का हमेशा वापस लौट कर आता है। चल उठ। गोटिया, वो का हाथ में सिक्का खोटा था, मोटा नहीं। चल, आज मोटे सिक्के पर भी सही बैठ गई। उठ जल्दी। सुनो, क्या कह रहा है बाजी? तुझे लगता है क्या हम भूल जाएगा? हाँ, तो फिर मैं जाऊंगा। मुझसे देश पूरे सासवर में कोई नहीं दौड़ सकता। सब कहते हैं यीशु सासवर का खरगोश है। कौन कहता है? कहते नहीं, पर अब से कहने लगेंगे। रुक गोटिया, मैं आया। मेरे बाबू ने कह दिया तो वो कर ही दिखाएगा। बालाजी, हम आपसे भीख मांगते हैं। मुगलों और मराठियों की दुश्मनी हम पर मत निकालिए। खान साहब, आपने हमें पहचाना? नहीं पहचाना ना? हुजूर ने इतने लोगों को मौत के घाट उतारा है, एक मामूली आदमी को कैसे पहचानेंगे? मतलब? मारने वाला भूल सकता है, मरने वाला नहीं। याद है से 7 साल पहले शाहूजी राजे की सूचना लेने बादशाह औरंगजेब के खेमे में एक मराठी घुसा था। तुमने यहाँ आकर दिलेरी दिखाई है, और हम दिलेरों की कद्र करते हैं। तुम्हें अपनी मौत चुनने का पूरा मौका दिया जाएगा। तुम बच गए थे। भाग्य है, किसी को बचाता है तो किसी को गिराता है। बालाजी, हमें माफ कर दीजिए, हमें मत गिराओ। मन तो करता है खान साहब आपको गिरा दे, छोड़ दे आपका हाथ। पर मराठियों और मुगलों में कोई तो अंतर होना चाहिए। आइए आइए।
गया तमाशा चुचुंद्रो, तुम्हारा खेल खत्म। शुक्रिया बालाजी, काश हम आपको दोस्त कह सकते, पर यह कमबख्त मराठियों और मुगलों की दुश्मनी आड़े आती है। हाँ, एक बात हम जरूर कह सकते हैं कि आप जैसा दुश्मन बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। एक बात कहे खान साहब जी, देश मिट्टी से नहीं लोगों से बनता है, लोगों के दिलों से बनता है, उनके मन से बनता है। आपने मिट्टी जीती है, काश मन जीत सकते। आज आपने हमारा मराठियों की तरफ देखने का नजरिया बदल दिया। ये जो घास आप पकड़कर बैठे हैं, हम मराठी बिल्कुल इस घास की तरह होते हैं। चाहे जितने तूफान आ जाए, हम हिलेंगे जरूर, टूटेंगे नहीं, क्योंकि हमारी जड़ें अब भी वही हैं जो स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोई थी। उन्होंने इस मिट्टी के कण कण में स्वराज बोया था, स्वराज। हम समझ गए बालाजी, आपने हमें जीत लिया। आज से कोई खेल नहीं, कोई सियासत नहीं। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? हम वही करेंगे। अपना सवार ढूंढ रहा होता है और घोड़े को पावली की जरूरत नहीं होती। जा ढूंढ उस घोड़े को जो तेरे लिए बना है। सरकार, एक बार कंधों पर किसी का उपकार आ जाए तो सर अपने आप झुक जाता है। अब उसका मुरुदीन का सर हमारे सामने हमेशा के लिए झुका रहेगा। हो, अब वो करेंगे जो हम चाहेंगे। और ये सब आपकी दी हुई सलाह का ही परिणाम है।
खरच सरकार। परिणाम तो इनका देखिए। पर हम तो कमर। कमर तो मैं तोड़ूंगी इनकी। थामा दी थे। क्या ये? हाँ? कहाँ थे दोनों? मैंने कुछ पूछा। काय विचार लमी बोला कहाँ थे? घोड़ा लाने गए थे। लाया घोड़ा? हाँ। समझाइए इन्हें। एक पावली में घोड़ा नहीं मिलता मूर्ख। आपको क्या पता? अच्छा? बताती हूँ मुझे क्या पता है। तुझे भी और तेरे इस भाव को भी। क्या हुआ? हाँ? ये चोट कैसे लगी? तूने बिना चाबुक मारे इस पागल घोड़े को काबू में किया कैसे? काबू नहीं किया, दोस्ती की है। मेरी आई ने सिखाया है, जहां प्रेम से काम चले वहां पर वार नहीं करना। चोट मन में लगी हो तो तन का उपचार नहीं करना। ओए, पर चोट तो इसके पाँव में ही लगी थी ना। असली चोट इसके मन में लगी थी, क्योंकि इसका सबसे अच्छा दोस्त इसे छोड़ के चला गया है। इसने खाना पीना सब छोड़ दिया, बस एक तक मेरे बेटे के जूतों को देखता रहता है। यह पागल नहीं था, यह दुखी था। एक दोस्त की कमी दूसरा दोस्त ही पूरा कर सकता है। आज तुम बच्चों से हार कर भी मैं खुश हूँ। इतने साल मैं इन घोड़ों के बीच में रहकर वो नहीं सीख पाया जो तूने मुझे एक दिन में सिखा दिया। दुनिया पर तो सब राज करते हैं, तू दिल और दुनिया दोनों जीतेगा। शाबाश। गिज्जी, हम काले बादल को ले जाएं? हाँ बच्ची, घोड़ा तुम्हारा। लेकिन तुम्हारी ये पावली, ये मेरी, इन्हें मैं कभी खर्च नहीं करूंगा। ये मुझे हमेशा याद दिलाएंगी कि किस बहादुर बच्चे से पाला पड़ा था मेरा। बच्चे, आज ये गदर खान तुझे, तुम सबको सलाम करता है। और हम भी आपको सलाम करते हैं गिद्ध काका।